कहीं बाहर चला गया होगा। अच्छा, सारा सामान लेकर? होता है कुल, कुछ काम ऐसे होते हैं जिसके लिए जल्दी जाना पड़ता है। घर में इतने सारे लोग हैं, बिना किसी को कुछ बताए सारा सामान लेकर चोरों की तरह भाग गया है। तुम में से किसी को कुछ बता के गया? नहीं, कहा तो नहीं कुछ। जो लोग फरार होते हैं ना, वो बिना किसी को कुछ कहे हुए ही जाते हैं। माँ, अच्छा मेरी बात तुझे बुरी लग रही है, और उसने जो तेरे साथ किया उसका क्या? कृष्णा बेटा, तुमसे राज कुछ कह के गया था? अब समझ में आ गया सब लोगों को कि कुछ कसर बाकी है? तुम सब लोग मेरे पीछे पड़े थे ना कि मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। अब पता चल गई उस इंसान की असलियत, कि जहां पोल खुली रातों रात अपना सामान लेकर चोरों की तरह भाग गया। और तुझे समझ में आ गए उसके इरादे? उसके इरादे नेक थे माँ, मुझे तो आपका बर्ताव समझ में नहीं आ रहा। मैंने राज के साथ जितना वक्त बिताया, मुझे यही पता चला कि राज एक बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन आप कैसे कैसे इल्जाम लगा रही है उस पे? वो चोरी करके भाग गया यहाँ से, क्या चोरी करके ले गया वो? अच्छा फिर तू ही बता, वो यहाँ से गया क्यों? आपकी वजह से माँ। क्यों ऐसे बिहेव कर रही है उसके साथ? राज बहुत अच्छा इंसान है, वो बदला नहीं, आपका नजरिया बदल गया है। आपके इल्जामों से तंग आकर वो यहाँ से चला गया। इस लड़की पर तो उस राज का भूत सवार हो गया है, और मैं उसका भूत उतारना जानती हूँ। कुल, ये कोई तरीका नहीं है बच्चियों से बात करने का। एक बेवकूफी तो तू कर चुकी है, अब और क्यों करने जा रही है? उस लड़के ने तुझे बहला फुसला कर तेरा फायदा उठाने की कोशिश की है, ये बात तेरे दिमाग में क्यों नहीं घुस रही है? दिमाग में मेरे आपकी बातें नहीं घुस रही है माँ। ऐसा क्या बुरा कर दिया राज ने? क्या लेकर चला गया वो इस घर से? क्या फायदा उठा लिया उसने? वो जब तक इस घर में रहा, इस घर पे सिर्फ एहसान किए उसने। तो भगवान बनाकर आरती उतार उसकी। आप उसे मेरा भगवान ही बनाने जा रही थी ना आत्मा, उसका रोका था ना, आप हमारी शादी करने जा रही थी ना। पति परमेश्वर होता ही कौन सिखाता है, आप ही के संस्कारों ने सिखाया है ये। तू संस्कारों की बात मत कर, उसकी बुराई तो तू सुनेगी नहीं, क्योंकि उसके प्यार का भूत सवार है तेरे सर पर। लेकिन वो भूत मैं उतारूंगी। मैं तो शुरू से इस रिश्ते के लिए मना कर रही थी ना माँ, हमेशा कह रही थी कि मुझे किसी एनआरआई बिजनेसमैन से शादी नहीं करनी है। लेकिन वह कनाडा में बैठ के मौसी ने रिश्ता फिक्स कर दिया, और आपने हाँ में हाँ मिला दी। आपने मुझे इस रिश्ते के लिए फोर्स किया था ना माँ, चैलेंज तक कर दिया था मुझे, फिर अब क्या हो गया है? देख, वो पहले की बात थी, वो शुरू की बात तू मत कर। ठीक है, अब की बात करते। कल तक तो आप राज की बहुत तारीफ करती थी ना माँ, राज सबसे ज्यादा आप ही को पसंद था, तो फिर अब क्या हो गया है? माँ, माँ आज की सच्चाई यही है कि मैं और राज एक दूसरे से प्यार करते हैं। भूल जाओ उस प्यार को। यार कोई लाइट का स्विच है क्या माँ? जब दिल में आया ऑन कर दिया, जब दिल में आया ऑफ कर दिया। मैं और राज शादी का डिसीजन ले चुके, कल तक तो आप भी यही चाहती थी ना, फिर आज क्या हो गया माँ? आज मैं या राज गलत नहीं है, अगर कोई गलत है तो गलत आप है माँ, सिर्फ आप गलत है। राज, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी जवान बेटी पे हाथ लाते हो? अच्छा, आपने जवान बेटी को जबान चलाते हुए नहीं सुना? आपने देखा नहीं इसके सर पे प्यार का कैसा भूत सवार है? भूत तो तुम्हारे सर पे सवार है, जो राज को गलत साबित करने की कोशिश कर रही हो, और गलत तुम हो कुलराज, जिन्हें साबित करके रहूंगा। एंड आई विल शो इट टू यू।
रो मत बेटे, तो बैठ, मैं रात से बात करने की कोशिश करता हूँ। बेटा बैठ, बैठ बेटा, दिमाग खराब हो गया तुम्हारी माँ का। अरे सुजाता बेटा, राज के मोबाइल की घंटी तो बज रही लेकिन वो उठा नहीं रहा है। जरा देखो बेटा, ये नंबर सही है? 9870046512। क्या बात है, फोन नहीं उठा रहा है? इसकी भी कोई वजह होगी आपके पास मिस्टर कोहली? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? है तुम ताने क्यों मार रही हो? आपको राज की खामोशी मंजूर है, मेरा बोलना मंजूर नहीं है। क्योंकि तुम बिना सोचे समझे बोल रही हो। अच्छा, मैं बिना सोचे समझे बोल रही? आपने तो सुना जीत पैंची ने क्या कहा, बच्चे कुछ नहीं जानते, लेकिन आप तो जानते हैं। सब कुछ जानने के बाद भी आप उसकी तरफदारी कर रहे हैं। वो क्या है जो हम नहीं जानते? अच्छा सुजाता, तुम बताओ कि ये राज मल्होत्रा कौन है? कौन है मतलब? कौन है मतलब कि ये कहां से आया है, क्या काम करता है? यही कि वो जीत मौसी के पहचान से यहाँ कनाडा से आया है। NRI बिजनेसमैन है, आइकन इंडस्ट्रीज का मालिक है वो। तानिया, मंशा, बेटा तुम बताओ कि तुम क्या जानती हो इस राज मल्होत्रा के बारे में? मम्मी, वही जो सुजाता दी ने कहा। ये राज मल्होत्रा जो तुम जानती हो नहीं, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये बहरूपिया कौन है। राज। मम्मी प्लीज, आप राज के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? क्योंकि ये राज मल्होत्रा आइकन इंडस्ट्रीज का मालिक नहीं है। ये राज मल्होत्रा असली मालिक राजदीप मल्होत्रा का एक मामूली सा नौकर है। और ये नौकर अपने मालिक के जूते पहनकर अपने आप को मालिक समझ बैठा। और यहां रहकर इसने सिचुएशन का फायदा उठाया। और इस राज मल्होत्रा ने न जाने ऐसे कितने गबन किए होंगे अपने मालिक के नाम पर। खैर, उसका हिसाब किताब लिया जाएगा जब असली राजदीप मल्होत्रा कल आएगा, जिससे जीत ने कृष्णा की शादी तय की। वो कल आ रहा है और हमारे यहां ही रहेगा। सच में मिस्टर राज ने हमें चीट किया है? पता नहीं मंशा। गॉड प्लीज राज फोन उठा ले, प्लीज गॉड प्लीज राज फोन उठा ले, प्लीज राज। क्या हुआ, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? दी, मिस्टर राज हमारे साथ ऐसा ऐसा कैसे कर सकते हैं? दी, ओह, तो मम्मा ने कोई नई कहानी सुना दी तुम लोग को। दी, आपको मिस्टर राज के बारे में पता था क्या? यही कि उन्होंने झूठ बोला कि वो NRI बिजनेसमैन है। तानिया, राज कभी झूठ नहीं बोल सकता है। उसने कब कहा कि वो NRI बिजनेसमैन है? और तानिया, तेरा विश्वास राज पर से इतनी आसानी से उठ गया? लेकिन दी, ये वो राज नहीं है जिसके बारे में जीत मौसी ने बात की थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मंशा कि जीत मौसी ने किस राज के बारे में बात की थी। मुझे इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि हमारा राज बिजनेसमैन है कि नहीं है, NRI है कि नहीं है। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं राज से प्यार करती हूँ मंशा। लेकिन दी, ये वो नहीं है।
जीत मासी जिससे आपकी शादी फिक्स करवाना चाहती थी वो राजदीप मल्होत्रा है, वो अब इंडिया आ रहा है और वो NRI बिजनेसमैन है। ओ, तो अब मेरी समझ में आ रहा है कि माँ का बर्ताव राज की तरफ अचानक से कैसे बदल गया। तानिया, मंशा, नीचे आ जाओ। राज का फोन होगा। हेलो राज, अरे राज बिना बताए तुम चले गए यहां से। अंकल मैं राज नहीं राघव बोल रहा हूं। राघव बेटा, एक मिनट मैं फोन देता हूं बेटे। लो बेटा। आज कहीं बाहर गया हुआ है? हाँ, शायद किसी जरूरी काम से गया हुआ है। अंकल थोड़े परेशान लग रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है राघव। अच्छा, तुमने अपने ट्रांसफर के बारे में अंकल को बताया? नहीं, अभी हिम्मत ही नहीं बन पा रही है। पापा को बताऊंगी तो वो परेशान हो जाएंगे। वैसे भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पापा को कैसे बताऊं कि मेरा ट्रांसफर होने वाला है। अच्छा तुमने अंकल से बात नहीं कही, क्योंकि मैंने अपने पापा से इस बारे में बात की थी और उनकी बातों से लग रहा है कि वो शायद ये ट्रांसफर रोक पाए। तुम्हें लगता है कि पॉसिबल है? हाँ हाँ, एक आधे दिन में डैड से मिलवा भी दूंगा और एक बार ये ट्रांसफर रुक जाए तो तुम्हें किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है। खामा का सब टेंशन लेंगे। थैंक्स सो मच राघव, थैंक्स सो मच। वैसे भी यहाँ सब टेंशन में आ जाते हैं। तुमने मुझ पर एक बहुत बड़ा फेवर किया है। मैं कल ही तुम्हारे पापा से आकर मिलती हूँ। थैंक्स वंस अगेन। मैं समझ सकता हूँ। बाय। बाय। अरे जीत, तू राजदीप मल्होत्रा के बारे में जो मेल भेजने वाली थी वो अब तक नहीं मिली। तानिया कब से कंप्यूटर पर बैठी है, जल्दी से भेज। तो मम्मी उनको बोलो ना, आप भेज दे।
आहो जी, जीत बहन जी, आप ऐसा करो ना, अभी भेज दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस बार कोई स्यापा हो। जो मेहमान आ रहा है ना, उसके बारे में सही जानकारी होनी चाहिए, उसकी फोटो भी भेज दो। हाँ जी। ओ, इस उचक्के ने तो मेरा दिमाग ना खराब करके रख दिया है। क्या जीत बहन जी, आप तानिया को समझाओ। ले बेटा तुम ले। हाँ मौसी। हाँ हाँ, वो साइड मुझे पता है, आप बस मुझे पूरा नाम बता दीजिए। राजदीप। यस मल्होत्रा। ओके मासी, ये लीजिए, आप मम्मी से बात करिए, तुम्हें वो साइट मुझे पता है। अरे जब साइट पता थी तो बताया क्यों नहीं तूने? मम्मी अब मुझे क्या पता कि उस राज मल्होत्रा की इंटरनेट साइट है। लो कर लो गल, इतना बड़ा बिजनेसमैन है, उसका साइट ही नहीं होगा? इस राज मल्होत्रा जैसे तो सैकड़ों नौकर होंगे उसके। क्या? ओहो, मैं क्यों बोल रही हूँ उसके बारे में, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी फोन करके, कितना बड़ा फ्रॉड निकला वो। मम्मी राजदीप मल्होत्रा की साइट मिल गई है। है? अच्छा देख, फोटो है कि नहीं? एक मिनट। हाँ फोटो है, प्रिंट आउट निकालूं? अच्छा जीत, वो मिल गई है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? हाय हाय, कितना सोना फोटो है, वो इसको तो देखकर ही लगता है कि कितना बड़ा बिजनेसमैन होगा ये। उस नमक हराम के लिए बहुत आंसू बहा लिए तूने, तेरा नसीब बदलने वाला आ रहा है बेटा, बहुत दुख झेल लिए तूने, जो आ रहा है ना तुझे इतने सुख देगा, इतने सुख देगा कि तेरी एक उम्र भी कम पड़ जाएगी। बेटा तुझे नाज होगा अपने आप पर जब तू कनाडा के इतने बड़े बिजनेसमैन की वाइफ कहलाएगी। दौलत और कामयाबी तेरे कदम चूमे, देख बेटा एक बार तू भी उसकी फोटो ले, देख।